पूर्व मंत्री और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की के आवास में ईद पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं के साथ आम जनता ने भी शिरकत की। मीडिया से मुखातिब होते हुए बंधु तिर्की ने कहा कि प्रदेश में शांतिपूर्वक ईद मनाया गया और आवास में ईद पार्टी का आयोजन किया गया है। इससे राज्यवासियों को संदेश दिया गया कि राज्य का विकास हो और इसी के लिए दुआएं सभी कर रहे हैं। और आज मेरे पिताजी के घर पे यहाँ पे ईद मिलन समारोह रखा गया है। सभी जाति धर्म के लोग यहाँ पे इस सम्मेलन में शामिल भी हुए हैं। और जिस समय से जो देश गुजर रहा है, अभी जो एक तरीके से जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है, इस तरह से सम्मेलन से आने वाले समय में भी एक उदाहरण पेश करेंगे हम लोग। कुल प्रदेश में शांतिपूर्वक ईद मनाया गया। आज ईद मिलन समारोह यहाँ पर हो रहा है। इस माध्यम से आपसी लोगों में प्यार का पैगाम, इस राज्य का पूरा संपूर्ण विकास, सुख समृद्धि के लिए हम दुआ अभी यहाँ पर हम लोग करेगा। और आने वाले दिन में लोगों में एक भाईचारा, एक लोगों में एक प्यार बढ़े। और इस तरह का कार्यक्रम हम शुरू से ही अपने आवास में भी, अपने बनहोरा, अपने पैतृक आवास में किया। झारखंड बिहार की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखिए न्यूज़ 5 स्कोप, अब जियो टीवी पर भी उपलब्ध। इसके अलावा तमाम बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। बिहार में सिटी केबल पर चैनल नंबर 232 पर देखें लेटेस्ट खबरें और डाउनलोड करें प्ले स्टोर से न्यूज़ 5 स्कोप ऐप। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की के आवास में ईद पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं के साथ आम जनता ने भी शिरकत की। मीडिया से मुखातिब होते हुए बंधु तिर्की ने कहा कि प्रदेश में शांतिपूर्वक ईद मनाया गया और आवास में ईद पार्टी का आयोजन किया गया है। इससे राज्यवासियों को संदेश दिया गया कि राज्य का विकास हो और इसी के लिए दुआएं सभी कर रहे हैं। और आज मेरे पिताजी के घर पे यहाँ पे ईद मिलन समारोह रखा गया है। सभी जाति धर्म के लोग यहाँ पे इस सम्मेलन में शामिल भी हुए हैं। और जिस समय से जो देश गुजर रहा है, अभी जो एक तरीके से जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है, इस तरह से सम्मेलन से आने वाले समय में भी एक उदाहरण पेश करेंगे हम लोग। कुल प्रदेश में शांतिपूर्वक ईद मनाया गया। आज ईद मिलन समारोह यहाँ पर हो रहा है। इस माध्यम से आपसी लोगों में प्यार का पैगाम, इस राज्य का पूरा संपूर्ण विकास, सुख समृद्धि के लिए हम दुआ अभी यहाँ पर हम लोग करेगा। और आने वाले दिन में लोगों में एक भाईचारा, एक लोगों में एक प्यार बढ़े। और इस तरह का कार्यक्रम हम शुरू से ही अपने आवास में भी, अपने बनहोरा, अपने पैतृक आवास में किया।